ग्रेटर नोएडा के डीपीएस स्कूल सहित दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल पर धमकी मिलने से एजुकेशन डिपार्टमेंट और बच्चों के पेरेंट्स में हड़कंप मच गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट हाई अलर्ट पर है। एक ईमेल ने पूरे दिल्ली एनसीआर को हिला डाला। दिल्ली नोएडा के स्कूलों को धमकी किसने दी? बम से उड़ाने की धमकी। ये ग्रेटर नोएडा के 112 में बने डीपीएस की तस्वीरें हैं, जहां गेट पर बच्चों और पेरेंट्स की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नोएडा समेत दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई है। धमकी मिलने के बाद कई स्कूलों को खाली करवा कर तलाशी ली जा रही है। धमकी भरा ईमेल दिल्ली के वसंत कुंज के डीपीएस स्कूल और दक्षिण पश्चिम जिले के डीएवी स्कूल को भी किया गया है। पुष्प विहार के एमिटी स्कूल को भी बुधवार सुबह 4:30 बजे धमकी भरा ईमेल किया गया था, जिसमें स्कूल में बम रखे होने की बात कही गई। बम रखने की खबर मिलने के बाद से ही सभी स्कूलों की अच्छे से तलाशी की जा रही है। तुरंत सूचना मिलने पर बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूलों से वापस लेने पहुंचे। स्कूलों के गेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। नोएडा में भी बड़ी संख्या में जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। तो वहीं इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल किए गए। ईमेल के आईपी एड्रेस से पता लगता है कि ये ईमेल देश के बाहर से किया गया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि अब तक कई जगह ईमेल आए हैं। इस ईमेल में डेडलाइन नहीं है, एक ही ईमेल को कई जगह भेजा गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों को इससे पहले भी धमकी भरे ईमेल किए जा रहे हैं। साल 2023 में दूसरे ही महीने में दिल्ली के आरकेपुरम स्थित डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल को इसी तरीके का ईमेल किया गया था। इसके अलावा साकेत के एमिटी स्कूल को भी फरवरी में इसी तरह का ईमेल किया गया था। इस ईमेल के जरिए स्कूल से पैसे भी मांगे गए थे। फिलहाल शहर में नोएडा पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।